सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। आज हम आ पहुंचे हैं दरभंगा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रा का महापर्व महात्यौहार चल रहा है और साथ ही साथ अभी जो बिहार का महापर्व शुरू होने वाला है और आज से शुरू हो भी चुका है वो महापर्व जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्शन और मतदान के लिए जो भी चीज़ है वो कोरोना काल में ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज दरभंगा में हमारे साथ एक अयोध्या से आए हुए आचार्य जी जुड़े हैं। आज हम जानेंगे कि खष्टी जो होता है जिसमें माँ का आवाहन किया जाता है, माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर हम लोग बेलनौती क्यों करते हैं, बेलनौती का क्या महत्व होता है, आखिर हम लोग शाम के समय में आके इनको न्योता क्यों देते हैं और सुबह सुबह आके इनको आदरपूर्वक यहाँ से क्यों लेके जाते हैं और उसी डंटल से माँ का आंख दिया जाता है, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं आचार्य जी कि अभी आज से नवरात्रा का छठा दिन है आज और हम लोग आए हुए हैं यहाँ माँ का बेलनौती के लिए, आखिर बेलनौती का क्या महत्व है अपने मित्र में? देखिए, बेल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बिल्व पत्र क्यों, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, आयुर्वेद के दृष्टि से भी देखते हैं, उसमें क्या है कि इसमें कई तरह की चीज़ों से कितने शरीर के विकृतियों को, रोगों को निवारण का एक तो पहले उपलब्धि है, औषधि है। दूसरे अब शास्त्र पद्धति थे तो हम वेद में रुद्र सूक्त में पांचवें अध्याय में नमो वृक्षेभ्यो, हमारे प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के सम्मान के विषय में सब कुछ बोला गया है। बिल्व के विषय में कई तरह के हमारे ग्रंथों में कथाएँ हैं। इसमें एक कथा संक्षेप में है कि माँ लक्ष्मी की बहुत इच्छा हुई कि हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो प्रकृति के प्रधान देवता हैं और माँ देवी प्रकृति के मूल हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना इस सृष्टि का किसी भी चीज़ का जीव का पालन नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी और विष्णु अगर जगत के पालन करता है तो उनके जो आश्रय लेते हैं लक्ष्मी का, तो उनको भी इनकी आश्रय लेने की जरूरत है। माँ लक्ष्मी ने तपस्या किया और उन्होंने भगवान शिव से बिल्व को प्राप्त किया, इसलिए माँ लक्ष्मी बिल्व के पूजन करने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली ये तीनों स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसमें शिव शक्ति के स्वरूप का हम दर्शन कर इनके पूजन कर और माता के दरबार में ले जाते हैं, इन्हीं को प्रतीक मानकर वहाँ माता में पुनः स्थापित करते हैं और इन्हीं के रस से माता के नेत्र पटों को हम उद्घाटन करते हैं, खोलते हैं। तो आखिर ये जो बेलपत्र, ये जो हम लोग बेलनौती करते हैं, आखिर ऐसा क्या है, ऐसा पद्धति में क्या कहा गया है जो कि खष्टी को हम लोग इस पूजा को अंजाम देते हैं, आते हैं माँ भगवती की आराधना करने, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे बेल को न्योता देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, और साथ ही अगले दिन, अगले सुबह, प्रातः सुबह उसे आदर पूर्वक माँ का आवाहन समझ के यहाँ से श्रद्धालु लेके जाते हैं और मंदिर में, अनेक मंदिर में इनकी जो आपने बताया कि अभी उनके रस से उनका आंख दिया जाता है, आखिर ऐसा क्या होता है जो कि हम खष्टी ही को ये चीज़ कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक कहा जाता है कि बंगाल में पहले पूजा से माँ का जो है वो आवाहन होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे पट खुल जाती है, लेकिन हमारे मिथिला में जो हस्ती को हम लोग आवाहन करके और सप्तमी को माँ को आवाहन करके लेके जाते हैं और तब उस रस से आँख माँ का दिया जाता है। तो आखिर इस चीज़ का क्या महत्व है? देखिए क्या होता है इसमें, एक असुर सातवें आठवें अध्याय का जब आप पाठ दुर्गा सप्तशती का देखेंगे तो उसमें रक्त बीज नाम का एक असुर हुआ दैत्य, जिसका वध करना बड़ा असंभव था। उसके वध से क्या हो गया, वो एक पुरुष का रक्त गिरता था तो उससे एक कितने असुर उत्पन्न हो जाते थे, और असुर उत्पन्न हो जाते थे। इसलिए माता ने 64 योगिनियों को बुलाया। दूसरी चीज क्या है कि हमारे शास्त्र ग्रंथों में, जैसे आप अपने घरों में भी देखते हैं कि जिस दिन विवाह होता है उससे पहले किसी को निमंत्रण, अपने यहाँ बुलाने के लिए निमंत्रण देते हैं। इसलिए हम अपने वृक्षों में, वृक्ष हमारे यहाँ प्रकृति के प्रधान हैं,
वायु सारी चीजें मिलती हैं और यह औषधियाँ हैं। योग दर्शन में कहा गया है कि देखिए सिद्धियाँ कई प्रकार से मिलती हैं, औषधियों से, ईश्वर इष्ट के निमित्त साधना से और गुरु कृपा से। तो जिनको हम बुलाते हैं उससे पहले इनको निमंत्रण देते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि जागृत चेतना व स्वतः ही आ जाती है। एक दिन पहले निमंत्रण हम फूल पुष्प इत्यादि फल इत्यादि से लगाकर जब करते हैं उस वृक्ष में एक चेतना जागृत हो जाती है जो कि हमें फल देने के लिए, क्योंकि हम बुलाते हैं उनको, निमंत्रण अभिनंदन करते हैं, निमंत्रण देते हैं, आवाहन करते हैं, उनकी चेतनाएँ जागृत हो जाती हैं। भाई उस व्यक्ति ने बुलाया है तो हमको वहाँ चलना चाहिए, वो स्वतः ही इसका उनको ज्ञान हो जाता है। वो जागृत करने के लिए हम एक दिन पहले उनको बुलाते हैं। तो अभी आपने सुना आचार्य जी से जो कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, जो कि अयोध्या से, मिथिला की नगरी में अयोध्या से, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से चल के आए हुए हैं मिथिला की जन्मभूमि में। इन्होंने अभी आपको बताया कि आखिर बेलनौती का क्या महत्व है, बेलतोड़ी का क्या महत्व है, माँ दुर्गा को बेलतोड़ी से और बेलनौती से क्यों आवाहन किया जाता है, ये सारा चर्चा इन्होंने अभी आप लोगों के सामने किया। आगे के लिए देखते रहिए 3N न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।